देखिए, जो सरकार की तरफ से कहा गया वो बड़ा महत्वपूर्ण था। उन्होंने ये कहा कि आपातकाल में भी शीतकालीन सत्र को डिफर किया गया था, पहले भी हटाए गए थे। तो हमारा ये पूछना था कि अगर इतिहास में, संसदीय इतिहास में गलतियां हुई हूं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हीं गलतियों को दोहराना चाहती है? एक बात। क्या भारतीय जनता पार्टी पुनः आपातकाल लगाना चाहती है? दूसरी बात। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी सुविधाजनक राजनीति क्यों कर रही है? अब तो हर जगह पे सत्ता में है। हमने उनसे कितनी चीजें तो पूछी कि 500 करोड़ रुपए 1500 करोड़ रुपए की डील में कैसे बदल गए। इस बात का जवाब अगर आप नहीं देना चाहते हैं, संसद नहीं बुलाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर हम ये बात समाज में उठाएंगे, सड़क पर उठाएंगे और आप लोगों के सामने उठाएंगे। अब जब इन सवालों की बात आती है तो वो हमें आपातकाल याद दिलाते हैं या कहते हैं पहले भी ऐसा हुआ। अरे भाई, पहले ऐसा हुआ तो आपको तो लोकतंत्र के मंदिर में जो गलतियां हुई हैं उनको करेक्ट करने के लिए ही तो आप आए थे। आपने जो बातें कही थी 2014 में, तो आपने ये कहा था कि जो इतिहास में गलतियां हुई उन्हीं को हम दोहराएंगे, या ये कहा था कि हम उनको सुधारेंगे? तो जब जो शख्स सुधारने के लिए आया होता है, वो अगर इतिहास की गलतियों को सामने रख करके अपनी गलतियां छुपाता है, तो निश्चित तौर पर जनता उसको समझती है। हमारा बीजेपी का स्टैंड तो ये है ना कि उनके जो तमाम नेता हैं वो प्रचार में इस वक्त लगे हैं, और सत्र लाने का उनका पास जो वक्त है वो फरवरी तक का वक्त था, तो फिर ये देरी ऐसे क्यों करना जा रहा है? प्रश्न हम उठाएंगे जी। हमारा प्रश्न उठाना काम है, सरकार का दायित्व है कि उस हमारे प्रश्नों को वो संतोषजनक जवाब दे। सरकार हमारे प्रश्नों के संतोषजनक जवाब देने की जगह पर हमारे ऊपर आरोप मढ़ रही है, जो सर्वथा अनुचित है। हमारा स्पष्ट मानना है कि अगर हमने कोई प्रश्न उठाया, प्रश्न उठाना प्रतिपक्ष का काम है, लेकिन सरकार का काम अपने कामों से उसका जवाब देना है, और वो जवाब सरकार संतोषजनक नहीं दे पा रही है, और उन जवाबों में जो इतिहास की जो चीजें हैं उनको ला रही है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर भी प्रश्न उठाता है, सरकार के भ्रष्टाचार पर भी प्रश्न उठाता है, और सरकार की जो नियत है लोकतंत्र के इस मंदिर को अपवित्र करने की, उस पर भी प्रश्न उठाता है।